क्लिश विंसीटा और हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन लेकर के। राइट, आज का न्यूज़पेपर भी हमारा द हिंदू है और उसी में से हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल आप लोगों के लिए चूज़ किया है। सो आई होप यू लाइक दिस आर्टिकल और थोड़ा बहुत इंग्लिश हम इससे कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करेंगे। जहाँ जहाँ वर्ड्स आएंगे वहाँ वहाँ हम लोग वो कैप भी सीखेंगे। आप लोगों का क्या काम है, सेशन को लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपका लाइक और आपका शेयर वो आपकी अटेंडेंस है। तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लर्न इंग्लिश विद जीटा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। ग्रेट टू सी यू ऑल, विकास, गौतम, कल्पना, गुड इवनिंग एवरीवन। या द टॉपिक इज द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन। नाउ क्या होता है कि ये जो आर्टिकल है ये किस बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है द केस ऑफ द मिसिंग, जो जो मिल नहीं रहा है, खो गया है। कौन खो गया है, किसकी बात कर रहा है? साइंटिफिक इंडियन, ऐसा भारतीय जिसकी जो लॉजिकल अप्रोच है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो साइंटिफिक है, रैशनल एटीट्यूड है, वो शायद खो सा गया है हम भारतीयों का। सो ये उसकी केस स्टडी है, ये उसका केस बता रहा है। तो केस किसका? केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन, ऐसा इंडियन जिसकी लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी कहीं खो सी गई है। इंडिया हैज फेल्ड, भारत जो है वो विफल रहा है, वो फेल हो गया है। किस चीज में? टू प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना। टू प्रोपागेट क्या, किस चीज को फैलाना? देखिए बड़ी बढ़िया बात वो कह रहा है। टू प्रोपागेट का ही मतलब है किसी चीज को फैलाना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, डिवाइड करना, डिसमिनेट करना। सो दैट मीन्स प्रोपोगेट मीन्स स्प्रेड, प्रमोट, किस चीज को प्रमोट करना। और साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा जो वर्ड है वो है डिसमिनेट। डिसमिनेट जो है वो इंफॉर्मेशन को किया जाता है। आई होप दैट इज क्लियर। वेलकम एवरीवन, जो लोग अभी देर से ज्वाइन किया है मैं बता दूं, हमने अभी अभी क्लास को शुरू किया है। जैसे यू नो, सो डिसमिनेट, यस ग्रेट। सो डिसमिनेट जो करते हैं, इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं। सो भारत विफल रहा है, इंडिया फेल हो गया है टू प्रोपागेट, कि वो फैलाए, वो प्रमोट करे। क्या प्रमोट करे? साइंटिफिक लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है जो आपको जो कहते हैं ना लिटरेट, पढ़ा लिखा। तो कैसी पढ़ाई, कैसी जागरूकता? जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक जो जागरूकता है उसके लिए भारत फेल हो गया है फैलाने में, इसको फैलाने में। नॉट ओनली अमंग द पब्लिक, ना सिर्फ पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में, बट ऑल्सो, राइट। अब बहुत अच्छा वर्ड आया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अभी बताऊंगी इसके बारे में। नॉट ओनली अमंग द पब्लिक बट ऑल्सो अमंग द साइंटिस्ट्स देमसेल्व्स, ना सिर्फ आम जनता के बीच में, आम जनता का कोई लॉजिकल थिंकिंग है उसमें भी फेल रहा है, और यहाँ तक कि साइंटिस्ट में भी वही प्रॉब्लम पाई गई है। आई होप यू गॉट इट, ग्रेट। जल्दी से लाइक और शेयर करिए क्लास को और साथ में जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सिमी, रुपेश एंड एवरीवन। सो देखिए ये हमारे जो दो वर्ड्स मिले हैं आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन्हें क्या कहा जाता है? ये साथ साथ आते हैं और इनको बोला जाता है कोरिलेटिव्स। इसी के जैसे और भी कोरिलेटिव्स हैं, इधर और, नीदर नॉर, एंड बोथ, या यू रिमेंबर ऑल दो येट। तो ये सब क्या है? ये पेयर में आते हैं और इन्हें बोला जाता है कोरिलेटिव्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो हैज फेल्ड, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा हैज हेल्पिंग वर्ब है। फेल्ड क्या है? ऑफ कोर्स फेल्ड आपका मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टू क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रोपागेट क्या है? प्रोपागेट वर्ब है, लेकिन टू और इसको मिला करके हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव, रेगुलर इन्फिनिटिव है। कैसे पता चला? क्योंकि एक वर्ब ऑलरेडी आ चुका है तो दूसरा वर्ब नहीं आ सकता, तो इसको बदल के हमने क्या बना दिया, एक ब्लॉक में डाल के, इन्फिनिटिव।
कैसे लिटरेसी साइंटिफिक आईसी लगा है, एडजेक्टिव है, लिटरेसी क्या है, नाउन है, लिटर से बना है, लेटर से बना है, लेटर मीन्स अक्षर, तो जो पढ़ा लिखा है उसे क्या बोला जाता है, लिटरेट, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या बोला जाता है, इलिटरेट, अंगूठे छाप को बोला जाता है। यस, ग्रेट, जल्दी से जल्दी जल्दी आप इसको प्लीज लाइक और शेयर करें क्लास को, एक सेकेंड बस, चलो। या सो वी हैव गॉट दीज, सम ऑफ दीज यू नो इंग्लिश रूल्स जिसको बोला जाता है, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, शुड वी मूव ऑन। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग हमारा शेड्यूल नोट करिए, शाम को 6 बजे 9 बजे इसी चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा पे आते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज जो क्लास है प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग में, उसमें डे 3 है और उसमें हम बोलेंगे इंग्लिश आसानी आसान तरीके से, इंग्लिश बोलना हुआ आसान, तो लेट्स सी क्या आसान तरीका है और कैसे हम आसानी से इंग्लिश को बोलेंगे। रात को 9 बजे है ये क्लास, मिस मत करिएगा, ठीक है। ये हमारी बुक है 500 वेज टू लर्न इंग्लिश। अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं खरीदी है, देन आई रिक्वेस्ट यू, यू परचेज दिस बुक और इसी लिंक से खरीदिए, ताकि हम आपको ये ई बुक बिल्कुल फ्री दे। दिस इज़ द हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगी, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी है आपके मोबाइल पे आएगी, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं कैसे, हमें 5-स्टार रेटिंग दीजिए अमेज़न पे, और ऑफ कोर्स आप हमें अच्छा सा रिव्यू लिख के दीजिए और हमें उसका स्क्रीनशॉट भेजिए हमारे नंबर पे। ये हमारा कोर्स है, पेड कोर्स है, इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, देन यू शुड जॉइन दिस कोर्स, बिकॉज दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो आप अब इस कोर्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, इस यहाँ पे जाके भी आप पता कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कुछ भी इसके बारे में जानना है तो हमारा ये नंबर है 9648396484। और हाँ, हम लोग का व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाने वाले हैं, तो ये नंबर हमारा जीटा के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ सेव दिस नंबर एज जीटा, और फिर हम आपको इस ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, कल परसों तक आपके ये ग्रुप्स बन जाएंगे। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ हमें इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, प्लीज़ ज्वाइन इन द ग्रुप, तो हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। चलो शुरू की जाए क्लास, ओके। दिस 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो 75वां साल है भारतीय आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का, इज़ अ मेजर माइलस्टोन, वो एक बहुत बड़ा, मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। सो मेजर क्या है, इट इज़ अ माइलस्टोन, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इज़न्ट इट। सविता वेलकम, ममता, विकास, गौतम, एवरीबडी वेलकम टू द क्लास, रुपेश, जल्दी जल्दी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आंसर्स देते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। येस, सो इट इज़ ए हिस्टोरिक इवेंट। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही बड़ा इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट, या फिर मेजर अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ा आपने उपलब्धि हासिल करी है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर अचीवमेंट, ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ माइलस्टोन। माइलस्टोन को वैसे मील का पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडिया, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक इवेंट है, हिस्टोरिक इवेंट है हमारे देश के लिए। अ टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ द डिवेलपमेंट्स इन वेरियस स्फीयर्स, अ टाइम टू टेक अ स्टॉक ऑफ, एक ऐसा समय आ गया है जब हम रिव्यू करें, जब हम लेखा जोखा लें, है ना, जब हम एक एनालिसिस करें, रिव्यू करें, एनालिसिस करें, टेक अ स्टॉक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या बढ़िया इन्होंने एक फ्रेज लगा दी, टू टेक अ स्टॉक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को रिव्यू करना, दोबारा से पुनः ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर। यस, आप सबके मीनिंग लिखते रहिए साथ साथ, या किसी चीज़ को रिव्यू करना, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, है ना, किसी चीज़ का एनालिसिस करना, ओके, ग्रेट। ऐसी कंपनीज भी अप्रेजल करती हैं, आपने देखा होगा ना, जब
साल का अंत होता है, प्रमोशन होना होता है, या फिर आपको इंक्रीमेंट मिलता है कंपनी में, तो वो किस बिना पे इंक्रीमेंट दिया जाता है? आपकी पूरी परफॉर्मेंस को देख के दिया जाता है ना, कि दो एम्प्लॉयज़ ने सेम टाइम ने ज्वाइन किया, एक एम्प्लॉय ने इतने करोड़ की सेल कर दी, दूसरे ने इतने लाख की सेल कर दी, तो ऑब्वियसली जिसने टारगेट मीट आउट किए हैं और उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उस बेसिस पे दिस इज़ कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स किसी चीज़ को टू टेक अ स्टॉक ऑफ समथिंग, ठीक है? सो अ टाइम टू टेक अ स्टॉक ऑफ द डेवलपमेंट्स, जो भी विकास हुए हैं इन वेरियस स्फीयर्स, अलग अलग क्षेत्रों में ओवर द लास्ट 7 decades, पिछले 70 दशकों में। डिकेड का मतलब क्या होता है? दशक। तो 75 साल में 70 दशक बीत गए, तो पिछले 7 दशकों में जो जो भारत को उपलब्धियां हुई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उसका हिसाब किताब लेने का समय है। अ टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ। सैडली बड़े दुख की बात है, अफसोसजनक है, जब हमें कहते हैं ना बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है या बड़े अफसोस की बात है, सो वी यूज़ द वर्ड सैडली, निराश होते हुए, निराशा के साथ, विथ सम नोटेबल एक्सेप्शंस। कुछ ही एक्सेप्शंस हैं, यू नो, कुछ ही उसके अपवाद हैं, सच एज, जैसे कि दिस न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है द हिंदू की बात करें, द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीन्स न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वाले जितने भी प्रिंट मीडिया होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होते हैं, जो बाकी जो आपके और नज़र आते हैं, जैसे टीवी है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, हैव नॉट रियली टेकन, उन्होंने नहीं लिया है क्या स्टॉक ऑफ, किस चीज़ का हिसाब किताब, रिव्यू ऑफ वॉट हैज़ हैपेंड, जो भी कुछ हुआ है, वॉट हैज़ हैपेंड टू साइंस एजुकेशन इन दिस कंट्री। वॉट की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, वॉट क्या काम कर रहा है, जल्दी से, नहीं तो वॉट की वाट लग जाएगी अगर गलत बताओगे तो, जल्दी से बताओ वॉट क्या काम कर रहा है। हाँ, तो बहुत दुख की बात है, कुछ ही एक्सेप्शन को, कुछ ही अपवाद हैं, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर ये द हिंदू, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, रिव्यू नहीं किया है, कि जो साइंस एजुकेशन, जिस तरीके की वैज्ञानिक एजुकेशन हमारे देश में दी गई है, ऑफ व्हाट हैज़, जो भी कुछ हुआ है उसके साथ, हैपन टू साइंस एजुकेशन इन दिस कंट्री, हमारे देश में। यस, जल्दी से बनाइए, व्हाट क्या है, माइलस्टोन का मतलब है मेजर अचीवमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गौतम सॉरी। गुड इवनिंग सुनैना, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा, ओके। तो विकास ने बोला ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सिमी कह रही है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जल्दी से बताइए ये क्या है, और विपिन कह रहे हैं ये कंजंक्शन है, अब आप मुझे बताइए व्हाट क्या काम कर रहा है यहाँ पर, क्या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, या फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, या फिर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, जल्दी बताइए, रेस्ट इन पीस मत होने दीजिएगा इसको, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, आपके सामने क्वेश्चंस आने चाहिए। देखिए, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब होता है जब हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और फिर लास्ट में हम लगा देते प्रश्नवाचक चिन्ह, दैट इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। अब आप हमेशा याद रखिए WH वाले वर्ड्स दोनों काम करते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तभी होंगे जब वो प्रश्न पूछेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन जब होंगे तो वो सेंटेंस के इस तरीके से बीच में आएंगे और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा, और ये कंजंक्शन का काम करते हैं, ठीक है? तो रिलेटिव प्रोनाउन तो है, लेकिन ये काम किसका करेगा, कंजंक्शन का करेगा, ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है। देखो, वॉट हैज़ हैपेंड, वॉट हैज़ हैपेंड, देखिए has आया, happened आया, या देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, has आया, happened आया, एक क्लॉज ये हुआ और एक क्लॉज इससे पहले आया, have taken, is it clear, conjunction मिल गया आपको, conjunction का मतलब ही होता है दो words, दो phrases या दो clauses को जोड़ना। clause का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे, ये देखो इतने सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में वर्ब भी होगा लेकिन ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको क्लॉज बोलेंगे, ठीक है?
ओके गुड, चलिए लेट्स मूव ऑन. यहां तक क्लियर सबको? वाइल पॉलिटिशियंस, जबकि जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, राइटर्स, लेखक, आर्टिस्ट, जो भी कलाकार लोग हैं, एक्टर्स एंड अदर सेलिब्रिटीज, और भी जो सेलिब्रिटीज हैं, हैव बीन गिवन देयर ड्यू. हैव बीन गिवन देयर ड्यू का मतलब होता है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको मिला. दे हैव बीन गिवन देयर ड्यू. टू गिव समबडी ड्यू का मतलब होता है, देयर ड्यू मतलब उनको वो इज्जत बख्शी गई, उनको नवाजा गया चीज़ों से जिसके वो हकदार थे. साइंस एंड साइंटिस्ट, जो विज्ञान है और जो वैज्ञानिक लोग हैं, सीम टू हैव बीन लार्जली इग्नोर्ड. ऐसा लगता है कि उनको बड़े पैमाने पर लार्जली वंचित रखा गया या इग्नोर किया गया, उनको ना नज़रअंदाज किया गया बड़े पैमाने पर. सीम टू हैव बीन लार्जली इग्नोर्ड, मतलब कि ऐसा लगता है. अब देखो सीम आया, बताओ सीम कैसा वर्ब है, जल्दी से मुझे बताओ. सीम हेल्पिंग वर्ब है, सीम एक्शन वर्ब है, या सीम लिंकिंग वर्ब है, जल्दी से मुझे बताइए. सीम टू हैव बीन इग्नोर्ड, जल्दी से मुझे बताइए ये कि स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में. गुड इवनिंग शेख सादिका, वेलकम टू द क्लास एवरीबडी. ग्रेट. सो सीम कैसा वर्ब है ये मुझे बताइएगा आप अभी, ठीक है. द जनरल एपथी, एपथी का मतलब होता है उदासीनता, इनडिफरेंस. इनडिफरेंस मीन्स ना किसी की तरफ रुझान है, ना किसी से वो है, यू नो, खिंचाव है, बस एपथी है, मीन्स इनडिफरेंस है थोड़ा सा. सो जब ध्यान नहीं देते हम तो वी से समटाइम्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होना, राइट, लैक ऑफ कंसर्न, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट, तो उसको बोला जाता है एपथी, राइट. सो द जनरल एपथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड साइंस एंड द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग द पब्लिक. लोगों के बीच में भी लॉजिकल रीजनिंग वाला दिमाग नहीं है. आप हम सब लोगों को देखो ना आसपास, अपने आजू बाजू, साइंटिफिक ब्रेन नहीं है लोगों का, है ना. हम लोगों का डिस्कशन किस टॉपिक पे होता है आप बताओ. आप लोग भी तो भाई अपने आसपास रहते हो, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आप लोग जनरली किन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हो आप बताइए मुझे, जल्दी से मुझे लिख के बताइए चैट बॉक्स में. जब चार लोग इकट्ठे होंगे या कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो वो किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, क्या क्या डिस्कशन होता है, ज़रा जल्दी मुझे बताइए. मैं आपको एक चीज़ फिर इसमें आगे जो दिया वो बताऊँगी. तो क्या कह रहा है ये कि द जनरल एपथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न, लैक, यू नो, इनडिफरेंस टूवर्ड साइंस, साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ, एंड द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, लोगों का जो टेम्परामेंट है वो साइंटिफिक नहीं है, उसकी भी कमी है. अमंग द पब्लिक, लोगों के बीच में, एंड पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस भी, इज अ पुअर कमेंट्री ऑन द इंडियन सेंसिबिलिटी. वो बहुत ही खराब, पुअर कमेंट्री ऑन इंडियन सेंसिबिलिटी है, मतलब कि जो भारतीयों की सोच है वो बहुत ही ज़्यादा इस मामले में ख़राब है, साइंस के मामले में. अच्छा देखो मेरे पास बहुत सारे अच्छे हैं. ओ यू जस्ट गॉट ऑफ द ट्रेन, दैट्स ग्रेट शेख सादिका, गुड टू सी योर कमिटमेंट टू जॉइन द क्लासेस, थैंक यू सो मच. विकास ने बोला गॉसिप, आशिफ पिनारा ने बोला है अबाउट पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, जनरली फैमिली प्रॉब्लम्स, ओके, रिलेटेड टू लाइफ एंड वर्क, पॉलिटिकल इश्यूज, बहुत बढ़िया. तो दैट मीन, अच्छा वो सीम लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, किसी ने, विपिन ने लिखा मुझे, बैम लिंकिंग वर्ब, बिल्कुल लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है. हाँ तो वो यही बात कह रहा है कि हम जो लोग हैं हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे कि तुम्हें पता है कि इंडिया ने अपना ही एक वो बना लिया, वहाँ पे भेजा उसने अंतरिक्ष में ये यान भेजा है, या जैसे गूगल मैप है वो डायरेक्ट करता है, ऐसे हमारे भारतीयों का भी बनेगा एंड ऑल दोज स्टफ. हम ये सब कहाँ डिस्कस करते हैं, हमारा टेम्परामेंट ही नहीं है इंग्लिश साइंस वाला, साइंटिफिक नॉलेज वाला टेम्परामेंट ही नहीं है, है ना. जब सब चीज़ें और जगहों में डिस्कस होके आ जाती है तब इंडिया में आके लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं. ऐसा कुछ आप अगर अग्री करते मेरी बात से तो लिखो ए, ए मतलब अग्री, और अगर अग्री नहीं करते तो लिखो डी, डिसअग्री. ऑल्दो
इंडिया हैज मेड सम सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसेस इन रिसर्च फील्ड्स सच एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्रीकल्चरल फार्मास्यूटिकल साइंस एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड सम क्रेडिटेबल लीप्स इन स्पेस. मतलब एक बड़ा जंप लिया है कहाँ पे, स्पेस में, अंतरिक्ष में. न्यूक्लियर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इतनी सारी चीज़ों में भारत ने कुछ अच्छी सिग्निफिकेंट एडवांस्ड रिसर्च तो करी है ना, कुछ तो अच्छा हुआ है. अग्री कर रहे हो ना मेरे से? ये बात बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. सो आई गॉट योर पॉइंट. हम सब इसी बात को अग्री करते हैं. अब देखो आगे वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया ने इतनी सारी फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस तो करी है, इट हैज़ फेल्ड. लेकिन भारत जो है वो विफल रहा है, वो फेल हो गया है. किस चीज़ में? टू स्प्रेड प्रोपागेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ज़रा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या क्या मतलब होता है. कि वो फैलाए, प्रमोट करे क्या साइंटिफिक लिटरेसी नॉट ओनली अमंग द पब्लिक, ना सिर्फ पब्लिक के बीच में बट ऑल्सो अमंग साइंटिस्ट themselves. तो मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रमोशन इंडिया में बहुत कम हुआ है, जिसके कारण लोगों का जो साइंटिफिक टेम्पर था वो भी डेवलप नहीं हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है. और हम आज भी वही पुराने घिसे पिटे जो टॉपिक्स होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं. हम कोई एडवांसमेंट की बातों पर टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करते. आप देखिए ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं. पार्लियामेंट अंडर स्कोर हाईलाइटेड. अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जाहिर करना, हाईलाइट करना. यस, आई होप इट इज़ क्लियर एवरीबडी. यस, स्प्रेड एंड प्रमोट, ऑफ कोर्स, बिल्कुल. सो अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सामने लेके आना, एम्फेसाइज करना, ब्रिंग आउट या एम्फेसाइज. ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं. इसका मतलब पता है? किसी चीज़ को ब्रिंग आउट मीन्स सामने लेके आना या फिर जोर देना, एम्फेसाइज करना किसी चीज़ पे. सो जो हमारी संसद है उसने इस बात पे जोर दिया, आवर कमिटमेंट टू प्रोपागेट. प्रोपागेट का मतलब क्या है? कि वो प्रमोट करे किस चीज़ को? साइंटिफिक टेम्पर, लोगों में जो ये विज्ञान के प्रति जो उनकी रुचि हो उसको डेवलप करें. बाय इंक्लूडिंग इट, शामिल करते हुए किसको? बाय इंक्लूडिंग इट एज अ ड्यूटी इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42nd अमेंडमेंट. इसके थ्रू उन्होंने कहा कि इसको आप इंक्लूड करिए. आर्टिकल 51A सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. देखो यहाँ पे शैल आया है. जब जब कंपल्शन की बात होती है तो हम शैल लगाते हैं इस तरीके से. ठीक है, सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर भारतीय नागरिक की ये कर्तव्य होगा टू डिवेलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो हम लोग ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते ये चीज़ कैसे चलती है, क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. जिन लोगों का ऐसा दिमाग होता है तो वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं. लेकिन अब ऐसी भीड़ हो गई है कि हर बच्चा इंजीनियर बनता है. देखो ना हमारे आजू बाजू यही तो होता है. एवरीबडी भाई, हर इंसान अपना अच्छा करियर चाहता है तो उसमें भीड़ में वो भी खो जाता है. सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ इंजीनियरिंग. अरे भाई मेरा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, नहीं है, पहले तो ये देखो. तो वही इंटरेस्ट डेवलप करने वाली बात 51A में कहा गया है कि ये हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ह्यूमनिज्म लाए और साथ साथ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. इंक्वायरी मींस कैसे चीज़ें हो रही, और रिफॉर्म मींस अपने अंदर सुधार लाए. इज इट फाइन एवरीवन? या डिसमिनेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट. आई होप इट इज क्लियर. सो चलिए जल्दी से शेड्यूल देख लीजिए. शाम को 6 बजे 9 बजे चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. आज हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में day 3 है और आज आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीखेंगे 9 बजे. क्लास को मिस नहीं करना है अगर इंग्लिश बोलना है. नहीं बोलना तो मेरी गारंटी नहीं, लेकिन बोलना है तो आना है और क्लास को पूरा पूरा अटेंड करना है.
ये इंग्लिश हमारी बुक है 500 वेज टू लर्न इंग्लिश, इसी लिंक से खरीदिए तो हम आपको ये ई बुक देंगे। कैसे मिलेगी? 5-star रेटिंग दो, अच्छा सा रिव्यू लिखो, और हमारा जो नंबर है, आपको हमारा नंबर मालूम है ना, ये नंबर है 9648396484 पर हमको आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको ये बुक भेज देंगे। ठीक है, ये हमारा कोर्स है, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनको ये कोर्स सूट करता है। आप इस लिंक से इसे खरीद सकते हो, या इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजो। और हाँ, जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं वो हमें हमारे इसी नंबर पे अपना नाम और सिटी लिख के भेज दें, राइट। और साथ साथ आप हमको अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा नंबर भी सेव कर लो। आपको पता है हमारा चैनल क्या है? ये जीता के नाम से हमारा नंबर सेव कर लीजिए ताकि हम आपको नोटिफिकेशंस भेज सके। चलो भाई आगे बढ़ा जाए। बट डिस्पाइट दीज एफर्ट, देखो डिस्पाइट आ गया ना, डिस्पाइट के साथ देखो ऑफ नहीं लगता, हमने कितनी बार आपको बताया है ना। बट डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन सभी एफर्ट्स के बावजूद, है ना, प्रयासों के बावजूद, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास। साइंटिफिक टेम्पर हैज कंटिन्यूड, वो जारी रहा है, टू रिमेन, क्या रहा? अ लॉफ्टी। नाउ व्हाट इज लॉफ्टी? व्हाट इज लॉफ्टी? डू यू नो द मीनिंग ऑफ लॉफ्टी? लॉफ्टी का मतलब ही होता है जो सुनने में तो अच्छा लगे, है बहुत बड़ा बड़ा, सुनने में अच्छा लगे, है ना। यू कैन से टॉल आइडियल्स, वी कैन से दैट वे, है ना। सो लॉफ्टी का मतलब होता है बड़े बड़े आदर्श, कि हाँ उस लोगों में हम साइंस के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, हम ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे। ये देखो ना, जब 2 महीने की छुट्टी होती है बच्चे की, तो कितने पेरेंट्स हैं जो जाकर के साइंस या टेक्नोलॉजी की चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों का एडमिशन कराते हैं? नहीं कराते, नहीं होगा। आप सोचे कि रोबोट बनाने का है, बहुत कम लोगों का, और हर बच्चा भी नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि घर में जो माहौल मिलेगा वही बच्चा आगे इनकलकेट करता है। साइंटिफिक टेम्पर, ये याद रखिएगा। सो वही बात वो कह रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर हैज कंटिन्यूड टू रिमेन अ लॉफ्टी। लॉफ्टी मीन्स इट इज हाई आइडियल्स, बस ये आइडियल्स ही रहे हैं, आदर्श, बड़े बड़े आदर्श के रूप में देखा गया है, हाई आइडियल, राइट, एंड हैज नॉट रियली परकोलेटेड इन टू सोसाइटी, लेकिन वो सोसाइटी में समाया नहीं, या समाया नहीं मतलब वो सोसाइटी के अंदर आया नहीं, सिर्फ आदर्श के रूप में रहा वहां, लेकिन हम लोग उसको अपना नहीं पाए, है ना। यस, वो हमारे अंदर आया नहीं, पास नहीं हुआ, इनफिल्ट्रेट नहीं हुआ। तो परकोलेटेड का एक सिनोनिम क्या हुआ? इनफिल्ट्रेट या पास, वो हमारे अंदर आया नहीं, बस वो आइडियल्स किताबों में ही नजर आए। दिस हैज लेफ्ट, इस चीज ने छोड़ दिया है क्या? मच ऑफ आवर नेशनल साइकी अ प्रिजनर ऑफ, हमारे जो राष्ट्र में लोगों की जो मानसिकता है, नेशनल साइकी, वो अब क्या बन गई है? वो बन गई है क्या? अ प्रिजनर ऑफ ऑब्सक्यूरेंटिज्म, बहुत बढ़िया वर्ड है, प्रिजनर ऑफ ऑब्सक्यूरेंटिज्म एंड पेव्ड वे फॉर रेट्रोग्रेसिव रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स एट द एक्सपेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड सेक्युलर वैल्यूज। माई गुडनेस, सच अ लॉन्ग सेंटेंस, इजंट इट। अब तोड़ के पढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों ने जो हमारे भारतवासी हैं उन सब की मानसिकता पे क्या प्रभाव डाला है? वो ये प्रभाव डाला है कि हम एक गुलाम बन गए हैं। प्रिजनर का मतलब यहाँ पे क्या है? गुलाम बन जाना। किस चीज़ के गुलाम बन गए हैं? ऑफ ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब क्या है? ऐसी सोच जिसमें पारदर्शिता नहीं होती, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती, कन्फ्यूज्ड थिंकिंग, जिसको मडल्ड थिंकिंग बोलते हैं, उस तरीके का दिमाग हो गया है, या ऐसा दिमाग, अ प्रैक्टिस वेयर यू प्रिवेंट फैक्ट्स फ्रॉम बिकमिंग नोन। आप ना, आप जान बूझ कर भी कुछ चीज़ों को नहीं जानना चाहते। कौन पढ़े इन सब में? वी हैव दिस। सो ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है वेयर क्लैरिटी इज मिसिंग। ओके, वेयर क्लैरिटी इज मिसिंग,
वहां पे क्लैरिटी होती ही नहीं है, ठीक है। एंड पेव्ड द वे, रास्ता बनाया, मेक वे फॉर, कहते ना रास्ता बनाना, गिव वे फॉर, पेव्ड वे फॉर, रेट्रोग्रेसिव, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, इसे रेट्रो स्टाइल के कपड़े पहने जाते हैं, है ना। सो रेट्रो मीन्स जो पुरानी, और अग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से बढ़ने वाली, सो जो पुरानी मानसिकता होती है उसके उसके लिए रास्ता बनाया, और वो कैसे, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स एट द एक्सपेंस ऑफ, किस की कीमत को चुकाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड सेक्युलर वैल्यूज, इस बिना पर, इस कीमत पर हमारी मानसिकता वैसी पुरानी रूढ़ीवादी हो गई। आई होप यू आर गेटिंग इट एवरीबडी। हाँ, बहुत अच्छा। सो अ सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत आधारशिला फॉर मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, विज्ञान है, वॉज बिल्ड, वो बनाई गई बाई साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने बनाई 1950s एंड 1960s, फैसिलिटेटेड बाई, जिसको फैसिलिटेट किया गया बाई द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। सो वॉट वेंट रॉन्ग, भाई अच्छी खासी 1950 और 60 में एक आधारशिला रखी गई कि हमारा देश जो है साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सब समझ में आ गया, सब फिट रहा, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। सो वॉट वेंट रॉन्ग, कहना है ना, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई, तो कितना अच्छा सेंटेंस है। सो वॉट वेंट रॉन्ग, क्या हो गया भाई, पानी वाड़ी क्यों नहीं हो रही, वॉट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ हो गई। सो वही बात यहाँ भी हो रही है। अब देखो आगे क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में लाई, ये जो इस परेशानी का एक हिस्सा कहाँ पे है, मे लाई, हो सकता है विद साइंटिस्ट देमसेल्फ, साइंटिस्ट के साथ ही हो सकता है, एंड द साइंस अकेडमीज दे बिलोंग टू, और ऐसी संस्थाएं से जहाँ से वो लोग हैं, साइंस अकेडमीज दे बिलोंग टू, तो इसका एक हिस्सा वो लोग भी हो सकते हैं। और आगे क्या बता रहा है, साइंटिस्ट हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली का मतलब होता है अनमने मन से, आधे मन से, होल हार्टेडली मतलब खुले दिल से, पूरे मन से काम करना, कहते हैं ना आपको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, दिल से काम करना चाहिए, सो यू शुड वर्क होल हार्टेडली, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, यू शुड पुट इन योर हार्ट एंड सोल इन टू वॉट यू डू, आप जो भी कोई काम करते हो उसको दिल से करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, है ना। सो डू इट होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, पूरे मन से, आधे मन से, बेमन से, जिसको बोला जाता है ना, साइंटिस्ट हाफ हार्टेडली स्टूड अप फॉर साइंटिफिक कॉजेज, साइंटिफिक कॉजेज के लिए वो पूरे दिल से नहीं उठे, है ना। इवन वेन द सिचुएशंस डिमांडेड, यहाँ तक कि जब उस समय परिस्थितियों ने मांग करी कि साइंटिस्ट लोग आगे आए, तब भी वो आगे नहीं आए, दैट दे फुल्ली डू सो, जो कि वो करते हैं। द एमिनेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही विख्यात, यू नो लिटरेरी काइंड ऑफ फिगर्स जिसको बोला जाता है, यू नो प्रसिद्ध, फेमस, जाने माने साइंटिस्ट, सॉरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट पुष्पा भार्गव, इन एन आर्टिकल टाइटल्ड साइंटिस्ट विदाउट अ साइंटिफिक टेम्पर इन द हिंदू ऑन जनवरी 17, 2015 सेड, क्या कहा उन्होंने देखे जरा, अब ये उन्हीं के द्वारा कहा गया है ना, तो ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा, और इसको जब हम स्टेज पे बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई कोट, जब हम किसी के बारे में बात कहते हैं ना उसी के कहे हुए शब्दों को बोला जाता है। कुछ लोग आप में टीचर हैं ना, और कॉलेज में, स्कूल्स में आप लोग स्पीच भी देते होंगे, वेलकम ऑन ऑल दोज थिंग्स, कंपेयर भी करते होंगे, तो जब किसी की कोटेशन या कोई बात कही जाती है तो उसको बोलते हैं आई कोट। देखो क्या कहा उन्होंने, द बल्क ऑफ साइंटिस्ट इन द कंट्री, जितने भी हमारे देश में इतने सारे साइंटिस्ट हैं, इंक्लूडिंग मैनी, शामिल होते हुए कौन से, बहुत सारे, हु वर ऑक्यूपाइंग, जो कि थे, किस पे थे, हाई पोजिशन पे, जो कि हाई पोजिशन थी, जिनकी ऊंचे पद पे थे, वर देमसेल्व, वो खुद ही नॉट कमिटेड, वो पूर्ण रूप से कमिटेड नहीं थे टू साइंटिफिक टेम्पर, उनका खुद का साइंटिफिक टेम्पर नहीं था, विच कॉल्स फॉर, जो कि डिमांड करता है, कॉल्स फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मांग करना, जो डिमांड करता है क्या, रैशनैलिटी
जो कि मांग करता है रैशनैलिटी. रैशनल मीन्स एक खुले दिमाग की. रीजन एंड लैक ऑफ बिलीफ, और जो विश्वास में कमी होना इन एनी डॉगमा. डॉगमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डॉगमा? डू यू नो द मीनिंग ऑफ डॉगमा? डॉगमा का मतलब होता है बिलीफ. या यस, ग्रेट. सो डॉगमा इट्सेल्फ मींस बिलीफ, बिलीफ या फिर ब्लाइंड फेथ. ओके, इसको वैसे डॉगमेटिक अप्रोच भी कहते हैं कई बार ना. यू नो डॉगमेटिक, जैसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है ना, पुरानी विचारधारा, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक अप्रोच. ठीक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड डॉगमेटिक अप्रोच. बहरहाल यहाँ पे आते हैं. लैक ऑफ बिलीफ इन एनी डॉगमा, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, और मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट फॉल्सहुड. मैनिफेस्ट का मतलब क्या है? जो मैनिफेस्ट का मतलब होता है, एक हमने आपको कल पढ़ाया था ना मैनिफेस्टेशन, उसी का देखो वर्ब आ गया मैनिफेस्ट. मैनिफेस्ट फॉल्सहुड, जो पनपता है, जो बनता है, या जो डिस्प्ले करता है, शो करता है, एग्जिबिट करता है. क्या? झूठ. शो. सो फॉल्सहुड, फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है? झूठ. ओके, सो वी हैव दिस. उन्होंने ये बात कही. अब देखो इनकी बात खत्म हो गई, अब इनकी बात खत्म हो गई, अब मैं आके पढ़ूंगी ना, तो इस यहाँ पे, वहां बोला था आई कोट, यहाँ बोलते हैं आई अनकोट. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन. इन 1994 में भार्गव रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन किया था. कहाँ से? फ्रॉम ऑल द थ्री अकेडमीज, तीनों अकेडमी से, द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, द इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, एंड द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज. प्रोटेस्टिंग, किस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हुए? देयर लैक ऑफ कमिटमेंट टू साइंस रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम्स. जो साइंटिस्ट का लैक ऑफ कमिटमेंट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, वो अपने काम के प्रति जागरूक नहीं है, कमिटेड नहीं है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और तीनों अकेडमी से उन्होंने रिजाइन कर दिया. इतनी हिम्मत भी लोगों में होनी चाहिए मुझे लगता है, ये बात एक्सेप्ट करने की कि एज साइंटिस्ट मुझे नहीं लगता कि मेरे फेलो बीइंग इतना ज़्यादा साइंस के प्रति उनका रुझान है. सो आई रिजाइन, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनस इज ऑन मी, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रिजाइन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन एन एनवायरमेंट वेयर सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्पर शुड बी देयर बट दे आर नॉट इन टू साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग. तो ये सब सोचते हुए उन्होंने रिजाइन दिया. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन. सो अभी आप लोग भी और हम लोग भी, मैं भी, कोई ऐसा नहीं है मैं आपसे अलग हूँ, हम सब एक ही हैं, है ना. अच्छा, इसको कैसे बोलेंगे, एक थाली के चट्टे बट्टे, चिप ऑफ द सेम ब्लॉक. ओके, हम सब ऐसे ही हैं. हम लोग को भी थोड़ा सा अपना वाइड थिंकिंग एंगल रखना चाहिए और थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल होकर के चीज़ों को सोचना चाहिए. वो पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स और क्या क्या था यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स से उन सब से अलग हट जाना चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ के देखना चाहिए. व्हाट डू यू हैव टू से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग. आप लोगों को क्या लगता है, इस आर्टिकल में जो बात कही गई सही है? तो अगर आपको लगता है तो आप अपनी भी, जो भी आपके दिल में विचार आ रहे हैं, वॉट एवर यू थिंक, यू शुड राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी. ठीक है, शाम को 6 बजे 9 बजे रोज़ जुड़िए हमारे साथ. चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. आज हमारा प्रैक्टिकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में day 3 है. इंग्लिश बोलना हुआ आसान, अगर आप आसानी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैंने ये नहीं कहा शॉर्टकट से, मैंने क्या कहा आसान, चीज़ों को जो मुश्किल है उनको आसान बना के लॉजिकल होकर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे, और अपना साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज़ आवर बुक 500 वेज टू लर्न इंग्लिश. आप इस बुक को खरीद सकते हो इस दिए गए लिंक से, इसी से खरीदिए. ठीक है, ये हमारा लिंक है, आप इससे खरीदिए और हम आपको देंगे ये बुक. जब आप इस हमारी बुक को खरीदोगे ना, ये 500 वेज टू लर्न इंग्लिश, आप हमें वहाँ 5-स्टार रेटिंग देना, अच्छा सा रिव्यू लिखना और हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज देना हमारे फ़ोन नंबर पे. मैं अभी दिखाऊंगी नंबर और हम आपको तुरंत ये बुक व्हाट्सएप कर देंगे. ठीक है, और ये हमारा कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का, ये हमारा बेसिक का कोर्स है इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल, लेकिन हमारा एडवांस्ड इंग्लिश लर्निंग सिस्टम भी है.
जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश स्किल्स को और अच्छा करना चाहते हैं, या कहीं ट्रेनर्स हैं और बेटर इंग्लिश करना चाहते हैं, तो वो हमारा एडवांस कोर्स लेते हैं। बहरहाल इस कोर्स के लिए आप इस लिंक से ले सकते हो। और अगर आपको हमारे किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए, ये हमारा नंबर है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भी भेजना, कोर्स डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप अपना नाम और अपना सिटी हमको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करो, लिखो ज्वाइन मी और हमारा नंबर सेव कर लो जीटा के नाम से, तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर एवरीवन। जी हाँ, बहुत बढ़िया। सो लेट मी सी, कुछ कुछ लिखा है लोगों ने। ओके सो देखो रोहित, हमारा ना मंडे को न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स का सेशन होता है, आप हमारे वो वाला सेशन देखो, हम आपको उसमें पता चल जाएगा व्हाई न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर इन प्रेजेंट इनडेफिनिट। जबकि चीज़ तो पास्ट में हो चुकी है, देन व्हाई इट इज इन प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो आप हमारे वो सेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, न्यूज़पेपर क्लिपिंग का सेशन जनरली हम मंडे को करते हैं, तो आप मंडे वाली क्लासेस चेक करना, दोनों जो हुई हैं आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाय द वे थैंक्स फॉर राइटिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन द क्लास। विपिन थैंक यू सो मच, ममता, नीतू, और हाँ आप लोग मुझे ज़रूर अच्छा एक थाली के चट्टे पट्टे मैंने बता दिया विकास, दैट इज़ चिप ऑफ द सेम ब्लॉक, या इसको ऐसे भी कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। ओके, चोर चोर मौसेरे भाई जिसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, चिप ऑफ द दैट इज़ बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये सब प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं। ओके, आई होप आई कुड टेल यू समथिंग। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि डू यू अग्री दैट इंडियंस एंड वी एज इंडियंस डू नॉट हैव दैट साइंटिफिक टेम्पर अमंग अस, सो गिव मी द रीजन फॉर दैट एंड शेयर योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू गौतम, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। सो वी विल मीट एट 9 PM टुडे, अगर आप आसानी से इंग्लिश बोलना चाहते हैं लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। डोंट मिस आवर क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ ब्रॉडकास्ट में जुड़ना हो तो जीटा नाम सेव कर लीजिए नंबर का, और प्लीज़ हमें